हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसमें अगर इफ़ एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है और एक्स वाई के इक्वल नहीं है, तो देन प्रूव करके दिखाइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरे फैक्टर को ज़ीरो के पास ले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला पूरा फैक्टर ज़ीरो के पास आएगा तो ये पॉजिटिव वाई माइनस वाई हो जाएगा। पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है, फिर देन सेकंड स्टेप में हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड्स की। तो जब आपने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड का, ये बना एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ से हटके वन प्लस वाई बचा, माइनस का पॉजिटिव, वाई का वाई स्क्वायर और अंडर रूट वन प्लस एक्स का वन प्लस एक्स। देन इसमें अगर आप अंदर इंटू कराते ये एक्स स्क्वायर होता, ये वाई स्क्वायर होता, तो हम इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर लेके आ गए और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई होता मल्टीप्लाई करके इस पूरे फैक्टर को राइट हैंड साइड ले गए, तो कुछ ऐसा ही बचा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक गेम क्लियर होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर वाई माइनस एक्स बचेगा ब्रैकेट में। x माइनस वाई और y माइनस एक्स अगर कट किया जाएगा तो यहाँ माइनस वन बचेगा। ठीक है, तो जो x प्लस वाई है मेरा वो माइनस का एक्स वाई हुआ। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपने क्या किया, आप इस y को इधर ले गए फिर से, तो ये माइनस वाई बना और आपने माइनस वाई को ही कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आपका क्या बचा, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई और वन प्लस एक्स ब्रैकेट में। अब यहाँ पे आप इस पूरे फैक्टर को एक्स के नीचे ले गए तो आपका क्या बचा, वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, और अब आपने फाइनली डिफरेंशिएशन किया विद द हेल्प ऑफ क्वोशेंट रूल। क्वोशेंट रूल में क्या होता है, जो अपॉन में होता है उसका स्क्वायर होता है, लेट्स से वो बी है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में बी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो ऊपर होता है ए उसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस, देन ए का डिफरेंशिएशन नहीं होगा और जो नीचे से ऊपर आया है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ इसी रूल को अप्लाई करते हैं। सो वन प्लस एक्स का वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो इसको टच नहीं किया। एक्स का डिफरेंशिएशन जब आपने किया, क्योंकि माइनस में पहले ही कॉमन ले चुका है ना, एक्स का किया तो वन बना माइनस का साइन, अब इस एक्स को टच नहीं किया, और जब वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन किया, वन का होता है ज़ीरो, एक्स का होता है वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ क्या बचेगा आपका, वन माइनस में बचेगा और अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये भी कहीं होल स्क्वायर ही आपको दिखाना था। ठीक है ना, क्वेश्चन में भी वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही करना था, ये मैंने भी सही किया है। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।